आर्थिक प्रशासनिक और सांस्कृतिक विकास में सहभागिता की बात करता है, लेकिन भीतर भीतर देश के भीतर संवाद के प्रति असंतोष के बीच होता है। अध्यक्ष महोदय, हमें किसी क्षेत्र के विकास के विचार से नहीं, हमें क्षेत्रवाद की विचारधारा से। अध्यक्ष महोदय, सवाल क्षेत्र के विकास का नहीं है, सवाल राष्ट्र की साख के साथ निर्माण का है। अध्यक्ष महोदय, क्या राज्य पर राज्य के निवासियों का ही हक है? क्या गुजरात में रहने वाले केवल गुजराती होंगे या बंगाल में केवल बंगालियों का ही अधिकार है? तो अध्यक्ष महोदय, मेरे विपक्षी मित्र इस बात का भी जवाब दे कि जो लोग भारतीय है, जिनकी पहचान भारतीय है, वो लोग आखिरकार है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रवाद की स्थिति को देखते हुए भारत में उभरते राष्ट्रवाद के क्षेत्र में जब उस क्षेत्रवाद इतनी गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है तो डर लगता है कहीं भारतीय सैनिक भी आंध्र प्रदेश में आतंकी हमला होने पर यह ना बोलते कि हम कोई आंध्र प्रदेश का सैनिक जाकर नहीं पहुंच सकते। अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर स्थिति, इन स्थितियों को रोका जाना आवश्यक है ताकि आजादी और आवामी के बीच फर्क पड़ा। आजादी संघवाद को प्रेरित करती है लेकिन आवामी क्षेत्रवाद को बढ़ाती है। अध्यक्ष महोदय, इन स्थितियों को समझना ज्यादा जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, क्षेत्रवाद जिस तरह देश में बढ़ता जा रहा है इसको रोका जाना आवश्यक है। यही नहीं, 1 दिसंबर 2016 को कोलकाता में भारतीय सेना के सामान्य सैन्य अभ्यास को सैन्य कर्तव्य बलों की कोशिश करार देने वाले वहां की राज्य सरकार ने अगले दिन संसद के दोनों सदनों को ठप कर उन्हें पूरी तरह जबरदस्त हंगामा उनमें खड़ा कर दिया। देश के सैन्य अभ्यास, देश की सेना के अभ्यास को, सशस्त्र बलों के इस प्रकार के अभ्यास को क्षेत्रवाद की भेंट चढ़ा देना निश्चित रूप से देश की अखंडता के लिए खतरा पैदा। दरअसल क्षेत्रवाद
इसलिए क्षेत्रवाद को रोका जाए और खंड भारत के निर्माण के लिए क्षेत्रवाद का सफाई आवश्यक नहीं अनिवार्य है। और अंत में प्रतिपक्ष मित्रों को इतना कहना चाहूंगा कि वतन की फिक्र कर डाला मुसीबत आने वाली है, तुम्हारी बर्बादियों के मशवरे होंगे आसमानों में, नहीं समझे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान भी होगी दास्तान। धन्यवाद।